हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हमारे पास लगभग 70 साल पुरानी मशीन बनने के लिए आई है। ये काफ़ी पुरानी मशीन है, इसका व्हील भी देख सकते हैं, काफ़ी बड़ा है और हैंडल भी बिल्कुल अलग सा डिज़ाइन है इसमें। तो आज हम इस मशीन की सर्विस करेंगे, तो वीडियो में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस मशीन में कुछ ऐसा ज़्यादा पार्ट चेंज नहीं करने वाले हैं, क्योंकि इस मशीन का सारा पार्ट जो है लगभग सही है और काफ़ी अच्छी मशीन है ये। पहले की हर एक मशीन बहुत अच्छी होती थी, हर एक सामान जो होता था बिल्कुल, देखिए इतना पुराना हो गया, पर आज भी इसका स्वी रेट बिल्कुल सही है। सबसे पहले तो इसके हैंडल को हम खोल लेते हैं। हैंडल में भी देख सकते हैं, इसका गोल वाला पेच है, इसमें कोई भी हम रेंच का यूज़ नहीं कर सकते हैं, गोल वाला पेच है इसमें। मशीन में थोड़ा सा साउंड है, तो इसके दोनों प्लेट को खोल लेते हैं इस प्रकार से। और देख सकते हैं आज इतना पुराना होने के बाद भी इसका जो प्लेट है बिल्कुल सही है, प्लेट में कोई भी परेशानी कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। आज भी इसका जो प्लेट का होल है बिल्कुल सही है, कोई इसमें कोई तरह का कोई दिक्कत नहीं है। इसका प्लेट को भी हम चेंज नहीं करेंगे, बस छोटे बस थोड़ा आप देख सकते हैं यहाँ पे गंदगी फंसी हुई है, इसकी हम सफाई कर लेंगे। और ये जो साउंड हो रहा है मशीन में इसको हम सही कर लेंगे। तो इसके दोनों पेज को पहले खोल लेते हैं शटल के। जो मशीन आवाज़ करती है इस शटल के वजह से ही करती है। इसमें क्या, इस प्रकार से यदि धागा फंस जाता है या कोई भी तरह का अगर इसमें डस्ट चला जाता है तो मशीन आवाज़ करना शुरू कर देती है। और दूसरी बात कि इसमें तेल भी बिल्कुल एकदम हल्का सा भी नहीं डला हुआ है, इसके वजह से भी मशीन साउंड कर रही है। देखिए शटल को खोलते ही मशीन का जो साउंड है बिल्कुल एकदम हल्का हो चुका है, क्योंकि शटल में हल्का भी धागा फंसा रहेगा तो उसके वजह से क्या होता है, मशीन का हर एक पार्ट में लोड पड़ता है, इसके वजह से मशीन आवाज़ करने लगती है। तो बस इसकी सफाई करेंगे और इसका शटल भी हम सोच रहे चेंज कर देंगे। शटल काफ़ी पुराना है और इसमें धागा पकड़ने का प्रॉब्लम है। जो भी है शटल को बाद में चेंज किया गया है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, बाकी सारा पार्ट्स इसमें वही लगा रहेगा। देखिए ये दांत में जो है काफ़ी गंदगी फंसी हुई है, इसको हम अच्छी तरीके से इस प्रकार से निकाल लेंगे ताकि दांत जो है हमारा बिल्कुल अच्छे तरीके से वर्क कर सके। और आप देख सकते हैं इसका कोई भी पार्ट जो है हल्का सा भी लूज नहीं है और हर एक चीज़ जो है बिल्कुल परफेक्ट है, फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है। आप पार्ट्स की क्वालिटी भी देख सकते हैं, आज के डेट में ऐसा पार्ट्स नहीं मिल पाता है। पहले के टाइम में इस प्रकार के पार्ट्स बनते थे कि एक भी पार्ट्स आप फिट करते हैं तो एक्चुअल एकदम साइज का होता था और सही तरीके से फिट होता था, बट अभी आप कोई भी पार्ट्स को लेकर आते हैं फिटिंग करते हैं तो उसको कम से कम आपको घिसना और पीटना दोनों पड़ेगा आपको, बिना घिसे पीटे आप सामान लगा ही नहीं सकते, कि कोई भी सामान आजकल बिल्कुल परफेक्ट साइज का होता ही नहीं है। और पहले के टाइम में क्या होता था कि हर एक पार्ट जो होता था बिल्कुल परफेक्ट साइज का होता था, कोई बंदा लेके आता था बाज़ार से और ख़ुद से भी लगा सकता था, बट आज के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है। क्वालिटी बिल्कुल ख़राब हो चुकी है आज के डेट में हर एक पार्ट्स की, और ये पार्ट्स काफ़ी अच्छी है। इसका बॉडी भी देख सकते हैं, जहाँ हमारा शटल फिट होता है उसके पीछे से देखिए किस प्रकार से सपोर्ट दिया गया है ताकि बॉडी हमेशा मजबूत रहे। आजकल सिर्फ दो खिला की तरह निकला होता है, ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिया होता है। बाकी ऊपर भी इस प्रकार से हर जगह ऑयलिंग कर लेंगे मशीन पे। और इसके पीछे साइड में इसके कनेक्टिंग और चिमटे दोनों में हम इस प्रकार से ऑयल डाल देंगे।
और देख सकते हैं इसमें चिमटा जो है हमारा राइट साइड लगा हुआ है, मशीन के चक्के के साइड लगा। नॉर्मली क्या होता है, चिमटा हमारा लेफ्ट की तरफ होता है, जिस तरफ हमारा बायां बॉडी होता है, स्वीरेड वगैरह होता है। पर इसमें पिको मशीन की तरह देखिए चिमटा राइट में फिटिंग किया हुआ है, और इसका जो चाल है वो बाहर से इस नट से टाइट किया गया है। आज की डेट में बॉडी चाल के लिए अलग से एक यहाँ पे पुर्जा निकला हुआ होता है, उसमें हमारा चाल टाइट होता है, बट ये सिस्टम इसमें पिको मशीन की तरह बिल्कुल दिया गया है। इस प्रकार से ऑयल डाल देंगे, चक्का में भी ऑयल रखेंगे इस प्रकार से। और देखिए मशीन में तेल डालते ही मशीन का जो साउंड है बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हर एक जगह इस प्रकार से ऑयल डाल देंगे और वापस इसके ढक्कन को बंद कर देंगे। फिर ये इसका प्लेट है, प्लेट को हम चेंज नहीं करेंगे, इस प्लेट को इसमें फिट कर लेते हैं और देख लेंगे सुई जो हमारा बिल्कुल बीचों बीच आना चाहिए, कहीं भी एक दूसरे से टकराना नहीं चाहिए। तो सुई बिल्कुल सही सीधी गिर रही है। उसके बाद हम इसके शटर की सफाई करेंगे। ये इसका नाल सेट है, इसको तो पहले हम खोल लेते हैं इसे पेज को इस प्रकार से। और इस प्रकार से इसके हर एक पार्ट को अलग कर लेंगे और उसके बाद इसकी सफाई करेंगे। शटल की सफाई करते वक्त यही ध्यान देना होता है कि जो अंदर का जो ग्रुप होता है इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन करना होता है। इसी में क्या होता है, हमारा जो धागा है अंदर की ओर बैठा होता है, जिसके वजह से शटल जो है जाम चलता है और मशीन आवाज़ करने लगती है। इस प्रकार से कपड़े से इसको खोल देंगे। शटल साफ करने के बाद ये इसका रिंग है, इसमें भी देख सकते हैं इस प्रकार से धागा चिपका हुआ है। इसको हम अलग कर लेंगे और इसको बढ़िया से क्लीन करेंगे। ये देखिए ये हमारा बैठ गया इस प्रकार से। उसके बाद इसे क्लिप को भी पोंछ लेंगे और इस प्रकार से दोनों पिन के अंदर रखते हुए होल को मिला के स्पेस से टाइट कर देंगे। अब बारी है शटल को चेंज करने की, जिसमें हम नया शटल इस प्रकार से अंदर की ओर ऐसे फंसा देंगे। शटल की सफाई करने के बाद ये जो हमारा शटल है इस प्रकार से बिल्कुल फ्री चलना चाहिए। यदि ये कहीं भी फंसता है तो इसकी सफाई सही से नहीं की गई, इसके वजह से फंसता है। तो हमने सफाई बिल्कुल सही तरीके से की है तो हमारा शटल जो है बिल्कुल भी नहीं फंस रहा है, एकदम अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। अब इसको हम फिट करेंगे मशीन में इस प्रकार से। मशीन को इस प्रकार से उठा लेंगे और शटल को ऐसा रखेंगे और इस जगह पे बैठा देंगे। फिर देखिए इसका दोनों पेच है, दोनों पेच को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से मिला मिला के इसमें फिटिंग करेंगे। थोड़ा इसको करेंगे फिर थोड़ा सा इसको करेंगे ताकि हमारा शटल जो है नाल दोनों तरफ परफेक्ट अंदर में बैठ सके। इसमें हमें कोई भी कैरियर को मोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि इससे हर एक पार्ट जो है बिल्कुल सही है, परफेक्ट है। आजकल की मशीनों की तरह नहीं कि कैरियर को एक घंटा मिलाना पड़ता है, इसमें कुछ मिलाने की ज़रूरत नहीं है, हर एक चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है। अभी स्वी रेड हमारा थोड़ा सा नीचे की ओर मांग रहा है, थोड़ा सा नीचे कर देंगे यहाँ से पेच को खोल के, ये स्वी रेड को नीचे कर लेंगे इस प्रकार से। और ये हमारा सेटिंग टाइमिंग जो भी बोलिए सब कुछ बिल्कुल सही है, कोई आवश्यकता नहीं है कुछ इसको छेड़छाड़ ज़्यादा करने की। और उसके बाद हम इसका प्लेट को भी फिट कर देंगे इस प्रकार से और इसके दोनों पेच को हम फिट कर देंगे इस प्रकार से लगा देंगे।
देख सकते हैं नीडल जो हमारा बिल्कुल परफेक्ट होल के अंदर एकदम सीधा अंदर जा रहा है, कहीं भी लेफ्ट राइट, जबकि देख सकते हैं इसमें जो है होल काफ़ी छोटा है। पहले के टाइम में जितना बड़ा होल होता था उसी के हिसाब से सेटिंग है। हमने इसके होल को भी कोई बड़ा नहीं किया है, बिल्कुल सही है। इसके वजह से फिटिंग इसकी बहुत अच्छी है मशीन की। इसके बाद इसमें हम चाप चेंज कर देंगे। इसका जो चाप था काफ़ी पुराना हो चुका था, रस्ट लगा हुआ था, तो चाप कस्टमर ने पहले ही बोल दिया था इसको चेंज कर देना है, तो चाप लगा हुआ इसमें नहीं था, तो इसको हम चाप को नया फिटिंग करेंगे इस प्रकार से। नीडल जो हमारा बिल्कुल बीचों बीच गिरना चाहिए, चाप में दोनों तरफ हमारा समान गैप होना चाहिए, तो इस प्रकार से मार के इसको सरका सकते हैं रड को। और जब भी रड को मारते हैं तो ऊपर रख लेना आपको चाप को इस प्रकार से, और उसके बाद सेंटर करना है। तो देखिए ये अभी हमारा चाप थोड़ा सा लेफ्ट की ओर गिर रहा है सही। इस प्रकार से सेंटर होना चाहिए, तो ये हमारा सेंटर है। हाइट भी जो है बिल्कुल सही है, तो ये हमारा चाप भी फिट हो चुका है। एक बार इसके टेंशन सेट को हम देख लेंगे, इसके अंदर जो प्लेट लगा होता है उसको हम एक बार चेक कर लेंगे प्लेट की कंडीशन कैसी है। प्लेट तो ठीक ही है बट काफ़ी पुरानी है, पर इसमें हल्का भी रफनेस नहीं है, तो प्लेट भी हमारा चेंज नहीं होगा, प्लेट बिल्कुल सही है, पर काफ़ी ओल्ड हो चुकी है, इसे चेंज ही कर देते हैं। तो देखिए इसका जो प्लेट है इसको हम चेंज कर रहे हैं, काफ़ी पुरानी हो गई थी इसके वजह से। फिर इसका ये ऊपर से वाशर इस प्रकार से रखेंगे और इस स्प्रिंग को रखेंगे, उसके बाद ये इसका पेच है इसको हम इस प्रकार से टाइट करेंगे। तो ये हमारा टेंशन सेट भी सेट हो चुका है। ये मशीन देखिए हमारा बिल्कुल सर्विस होके रेडी हो चुकी है, और इसमें हम हैंडल को इसका फिट कर देंगे इस प्रकार से। ये हमारा हैंडल यहाँ पे इस प्रकार से लगेगा, और नीचे में इसका पेच हमको टाइट कर देंगे। हैंडल में इस प्रकार से यहाँ पे हल्का ऑयल डाल देंगे जहाँ से हमारा हैंडल मूव करता है। देखिए मशीन काफ़ी फ्री हो चुकी है और आवाज़ भी जो इसका बिल्कुल अच्छा हो चुका है। अब इसमें बॉबिन केस लगाएंगे और इसकी सिलाई करके चेक करेंगे हमारी सिलाई कैसे बन रही है। बॉबिन केस को इस प्रकार से इसमें रखेंगे यहाँ पे, और ऊपर का थ्रेड, ये ऊपर का थ्रेड हम इस प्रकार से लगाएंगे यहाँ पे सिर्फ हमें रखना होता है इस प्रकार से, और इसके प्लेट में अंदर की ओर रखेंगे। उसके बाद ये इसका कुंडी है यहाँ फंसाएंगे, इस क्लिप में लगाएंगे, और उसके बाद सुई में लगाएंगे। देख सकते हैं इसकी सिलाई भी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो रही है। तो ये मशीन जो हमारा बन के बिल्कुल रेडी हो चुका है। सिलाई को हम बड़ा छोटा यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका चाल सेट है, इसे अपने अनुसार हम जितना चाहें उतना बड़ा छोटा सिलाई कर सकते हैं।
देखिए इसकी सिलाई बिल्कुल अच्छी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। तो ये हमारा लगभग 70 साल पुराना पफ का मशीन था जिसको हमने सर्विस किया है, और इस मशीन की सिलाई भी बिल्कुल अच्छी आ रही है, बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। आप देख सकते हैं ये ऊपर का सिलाई है और पीछे साइड में इसका नीचे का सिलाई है, सिलाई जो इसकी बिल्कुल अच्छी बन रही है। इस मशीन को हमने नॉर्मल सा सर्विस किया है, जो भी इसका शटल और एक बॉबिन केस और एक चाप और यहाँ का एक प्लेट होता है जो डिस्क प्लेट, उसको हमने चेंज किया और एक स्विच चेंज किया है। नॉर्मल सी सर्विस से हमारा मशीन जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो फिर किसी और टॉपिक पे लेके आएंगे। धन्यवाद।